एक ऑनेस्ट रिव्यू दूं, मैंने इसको 4 घंटे यूज़ करा है, लेकिन आपको बता दूं, आपको इसकी सच बताऊं तो ऐसे कोई नीड है नहीं। हाँ, हीटिंग में ये सचमुच में बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू सॉल्व करता है, हीटिंग नहीं होने देता, क्योंकि मैंने इसको देखा, ये 15-20 मिनट में इसमें अगर 47 मेरी 47 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा था तो 38 डिग्री तक ये ले आया था। और ऐसी बात नहीं है, ये FPS में भी हेल्प करता है, 3 से 4 FPS तक बढ़े हुए मिलते हैं, वही थोड़ा सा मतलब। बट बात वही है कि मैंने YouTube पे देखा, कई रिव्यू देखे थे कि भाई लिक्विड आ रहा है, मेरे को उस एरिया में ऐसा कुछ वाटर ड्रॉप जैसा लिक्विड दिखा नहीं और इतनी कूलिंग दिखी नहीं। कूलिंग थी, अच्छी खासी कूलिंग थी, बट हाँ वो चीज़ नहीं थी जो YouTube के रिव्यूज़ में मैंने देखा था। और एक और बात मेरे को इसकी अच्छी नहीं लगी कि इसके जो साइड में है फ़ैन वाली एरिया से तो हीटिंग निकल ही रही है, बट वो जो साइड में भी इसके होल्स प्रोवाइडेड हैं उसमें से हीट निकल रही है और वो फ़ोन के ऊपर ही जा रही है। तो फ़ोन उस एरिया से तो ठंडा हो रहा है जहाँ से ये कूल एरिया दे रखा है, बट उसके साइड में जहाँ से हीटिंग छोड़ रहा है ये फ़ैन, साइड में फ़ोन के बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर के पास, वहाँ से फ़ोन हीट और होता जा रहा है। टेम्परेचर सिर्फ उस एरिया में ही कम हो रहा है जिस एरिया में इसकी शील्ड प्रोवाइडेड है। बाकी मैं आपको वो वाला रिव्यू दिखा देता हूँ जब मैंने इसका बॉक्स खोला था और इसका आधे घंटा यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू लेने की सोचा। गाइस देखो, ये कूलर मैंने मंगाया अमेज़ोन से, 1500 का पड़ा है। रेट इतना ज़्यादा भी नहीं है, बट हाँ आपके लिए एक मैं आपको इसका क्विक रिव्यू दे दूँ, इसको आपके बारे में, आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज दे दूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट, अभी मैंने इस पर वो लगाया कॉन्फ़िग, 90, 93, 90, 89 मुश्किल से बिल्कुल कांस्टेंट दे रहा है, ठीक है। इससे क्या है ना, देखो पीछे का जो है, कोई भी फ़ोन है आपका, जैसे ये तो मैंने अभी MI 11T Pro में लगा रखा है, ठीक है, लेकिन अगर जैसे आप कोई Redmi Note 8 Pro है, Redmi Note 8 Pro में लगाते हो आप, जैसे मेरे पे अपना पुराना लो एंड डिवाइस Redmi Note 8 Pro था जो मेरे को कांस्टेंट FPS नहीं देता था, बहुत ज़्यादा फॉल होते थे उसमें FPS। अपना ये जो नया वाला TDM था ना, नॉर्मल TDM, ये वाला रॉयल अरेना ये जो नया आया था, इसमें भी मेरे को 30, 40, 25 तक पहुँचा देता था, बट मैंने इसको लगा करके जो गेम प्ले करा ना उस वाले में TDM में, मेरे को कांस्टेंट 50, 51 FPS मिले, 50, 51, मतलब किसी भी लो एंड डिवाइस को मिड रेंज तक ये पहुंचा देता है। इस बात की मैं आपको एक मैं दिलासा दे सकता हूं कि हाँ ये चीज़ 1500, 2000 इस इतने में आप एक ऐसी अपने लो एंड डिवाइस को एक, मतलब आप चाहते हो कि चलो इतने FPS तो दे यार, मेरे को इतने मिले मेरे लिए वही बहुत है, उतने तक ये पहुँचा देता है आपको। सबसे बड़ी बात इसकी ये है, इसकी यही एक मेरे को लगी कि ऑप्टिमाइजेशन में जो भी इसके जो है गेमिंग में इसकी जो FPS ड्रॉप है उसमें ये फ़र्क ज़रूर देखने को मिलता है। जैसे अगर आपके 30 आ रहे हैं, कांस्टेंट 40 नहीं आ रहे, 40 FPS डिवाइस है, ठीक है, या फिर 20 आ रहे हैं, तो वो 20 आ रहे हैं तो वो 30 कर देगा ये, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मतलब 10 FPS तक ये बढ़ा देता है, मैंने देखा, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। कूलिंग इसकी 15 से 13, 14 या फिर आप कह सकते हैं इसकी 13, 12 इतने डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है ये, मतलब काफ़ी ज़्यादा कूल है। पीछे से देखो, आप देख सकते हो, देख नहीं सकते सॉरी गाड़ी ये मेरे को डिवाइस काफ़ी अच्छा लगा, जिससे कि हम इतना, मतलब हाँ देखो थोड़ा सा हैवी ज़रूर हो जाता है ये आपका जो डिवाइस है, बट हाँ अगर इसको सेंटर में लगाएं ना तो ऐसा कुछ, देखो ई स्पोर्ट्स के लिए ठीक है यार, मतलब इतनी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बट हाँ अगर आपको आदत नहीं है तो आदत बनानी पड़ेगी आपको, लेकिन इतना ज़्यादा मेरे को कुछ लगा नहीं हैवी, थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा कर देता हैवी, बट अगर आप सेंटर में डाल देते हो तो थोड़ा बिल्कुल सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप एक साइड कर देते हो इसको तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट आप सेंटर में करो तो एक नॉर्मल फील आएगी, बस थोड़ा सा फ़ोन हैवी लगेगा चुन्ना सा, ठीक है, उससे इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क आएगा नहीं। बाकी इसकी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा, देखो आपको एक TDM लगा के दिखा देता हूँ मैं, टीम मैच लेट्स गो, लोगों पाउडर लाया भाई क्या, मेरा जो है हाथ नहीं बैठा है अभी ये नए डिवाइस पे, ये देखो क्या ग्लिच हो रहा है, देखना Reloading!
किसने मार दिया? ये क्या ग्लिच हो रहा है? कुछ ग्लिच सा हो रहा है अबे। हाँ बट आपको बीच बीच में FPS दिखा देता हूँ, जैसे कि देख लो कॉन्स्टेंट 61 59। मैंने बेशक कॉन्फिग लगा रखा है लेकिन गेम में जो है एक ही किल करा, गेम में जो है गेम प्ले में जो है इसमें 60 से ऊपर अलाउड नहीं है, तो कॉन्फिग बेशक आप 90 का लगा लो। भाई आपको किल मिला के मुझे ये बताना था कि अब ये जो फ़ोन है इसमें अगर कहीं पे भी ड्रॉप मेरे को दिखता, वैसे तो नया फ़ोन है लेकिन अगर कहीं पे भी जैसे स्क्रीम्स टूर्नामेंट वगैरह में मेरे को ड्रॉप मिलता तो वो ड्रॉप अब मेरे को नहीं देखने को मिलेगा, कॉन्स्टेंट 60 FPS मुझे देगा, क्योंकि ये 60 से ऊपर BGMI में नहीं देता ये फ़ोन। बट हाँ ये अब कॉन्स्टेंट 60 देगा विद कूलर अगर मैं करूँ तो, कॉन्स्टेंट हाँ बिल्कुल आईफोन वाली फील देगा। और कॉन्फिग 90 वाला लगा रखा है तो उस वजह से भी कॉन्स्टेंट 60 ये देगा। मैंने 120 FPS इसका ऑन कर दिया है, 120Hz डिस्प्ले, जिसकी मदद से कॉन्स्टेंट और इसका ये कूलर भी हो गया, तो अब तो ये बिल्कुल आईफोन वाली फील देने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपका कुछ ऐसा सिस्टम है, आपके है इतने इकट्ठे कर लिए हैं पैसे, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। अगर देखो आपको मिल रहा है ये सही रेंज में और आप यूज़ करके देख रहे हो कि हाँ ये सही कूलिंग दे रहा है, पीछे से थोड़ा सा लिक्विड वगैरह दे रहा है, तो फिर इसको ले लो, नहीं तो फिर रिटर्न कर दो अगर नहीं हो पा रहा तो। बाकी इट्स अ भाई देखो मेरी तरफ से तो हाँ है भाई, ये अच्छी चीज़ है, मेरे को तो पसंद आई। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ सब्सक्राइब करें यार वीडियो को, वो चैनल को भाई, बिल्कुल 500 सब्सक्राइबर्स तो कर दो कम से कम मेरे, ताकि आपके लिए मैं और ऐसी चीज़ें ला सकूं भाई, और मैं थोड़ा मोटिवेट हूं। बस भाई वो सब्सक्राइब बटन हमारे लिए एक मोटिवेशन ही होती है। थैंक यू।